अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों हम छत पे हैं, तो ऐसा करते हैं हम अपने सारे पेट्स को ओपन करते हैं, बाहर निकालते हैं और इन्हें इनकी सुबह की डाइट देती हैं। तो दोस्तों पहले नंबर पे ना हम अपने चिक्स को ओपन करते हैं, क्योंकि यार वो छोटे हैं तो उन्हें भूख भी ज़्यादा लगी होगी। तो ये देखें हमारे चिक्स हैं अंदर, ऐसा करते हैं इन्हें पहले खोलते हैं और ये आगे आए हुए हैं, क्योंकि इन्हें ना मैंने रात को रैबिट्स के साथ बंद किया था। तो इधर मैंने इसलिए बंद किया क्योंकि ये रात को ना सारे यहीं चले गए थे, मैंने कहा चलो इन्हें यहीं बंद कर देते हैं। बल्ब मैंने जलाया हुआ था रात को, तो ये बल्ब इन्होंने तोड़ दिया दोस्तों। ये किसने तोड़ा बल्ब यार? ये मैंने इन्हीं के लिए रखा था यहाँ पे ना हीट के लिए, लेकिन ना यार इन्होंने तोड़ दिया। तो अब ऐसा करते हैं इसे हम रखते हैं साइड पर, तो बाकी हम अपने रैबिट्स को ओपन करते हैं और यहाँ से हम अपने डक्स को ओपन करते हैं ताकि ये बाहर आए। यहाँ से डक्स को ओपन कर दिया दोस्तों, इन्होंने बाहर आते ही शोर मचाना शुरू कर दिया। ऐसा करते हैं अब हम ना मुर्गी और मुर्गे को भी ओपन करते हैं। तो दोस्तों मुर्गी और मुर्गे को भी ओपन कर दिया है दोस्तों। ऐसा करते हैं पहले हम ना छोटे चिक्स तो हमारे खा रहे हैं, कल का दाना पड़ा हुआ था, ऐसा करते हैं इन्हें दाना और देते हैं। हम चिक्स के लिए जो इनकी डाइट है ना वो ले लेते हैं, ये उन्हें डाल देते हैं उनके बर्तन में ताकि ये खा लेंगे यहाँ से। और दोस्तों रैबिट है ना वो जो चिक्स की डाइट खा रहे हैं, ऐसा करते हैं इनका सब्जा इन्हें ला के देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे इनका सब्जा पड़ा हुआ है। और दोस्तों ये देखिए मैंने रैबिट का सब्जा दे दिया यहाँ पे, अब ये सब्जा भी खा लेंगे यहाँ से। वो देखें ब्लैक वाला मेल है ना वो तो आ गया खाने। अब हम बारी है हमारी मुर्गी और मुर्गे की, इन्हें हम पानी भी दे देते हैं और इनकी डाइट भी दे देते हैं दोस्तों। ये इन्हें पानी दे देते हैं, तो अब ऐसा करते हैं साथ ही इन्हें इनकी डाइट दे देते हैं। तो दोस्तों वो देखें वो जो हमारा छोटा चूजा ना यार, ये कल ना काफ़ी इनके ढीला था, हरकत नहीं कर रहा था, खड़ा हुआ था, सो रहा था, लेकिन अब इसे देखें अल्हम्दुलिल्लाह ना ये काफ़ी बेहतर है पहले से। तो दोस्तों अगर हम इसे मेडिसिन आना देते यार हो सकता था कि आज ये भी एक्सपायर हो जाता। तो दोस्तों अब फीमेल की बारी है, ऐसा करते हैं इसे ओपन करते हैं और ये देखें ये इधर ही खड़ी हुई है, इसने ना इसे भूख लगी है, दाना पानी खाना है इसने। तो ऐसा करते हैं इसे और दाना पानी देते हैं ताकि पानी भी पी लेगी और दाना भी इनके खा लेगी। दोस्तों मैंने ना इसे ये देखें दाना दे दिया और इसका पानी है ना वो चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों मुर्गी को मैंने डाइट भी दे दी और इन्हें पानी भी दे दिया, ये पानी पी रहे हैं। इसके बाद ये अपनी यानी कि जो सुबह की डाइट है वो खा लेंगे। रैबिट्स को भी दे दी है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे यानी के ठीक हैं, वो खा रहे हैं। और चिक्स को ना यानी के पानी रह गया तो इन्हें ना हम पानी भी दे देते हैं। पानी में ना हम मेडिसिन भी इनके मिक्स करके इन्हें दे देंगे ताकि ये पी लेंगे। तो इनका पानी आ गया, अब इसी में ना हम मेडिसिन मिक्स कर देते हैं। मेडिसिन है इसके ना हम यानी डेढ़ ढक्कन है ना, यानी कि जो साइज है ना एक ये और आधा ये मिक्स कर देंगे इसमें, आधा बस हमने और लेना है, ये आ गया। तो दोस्तों ये मिक्स कर दिया, अब ये सब पानी भी पियेंगे और इनकी ना मेडिसिन भी हो जाएगी इसमें। दोस्तों ये वाली जो मेल है ना ये पहले यार मोटी थी, अब है ना ये सही इनके स्मार्ट हो गई है, क्योंकि जब हम इसे लेके आए थे ना तो इसने यार बच्चे देने थे, मुझे लग रहा है इसने ना बच्चे दे दिए हुए हैं। तो ऐसा करते हैं हम ना इसके गरा चेक करते हैं कि यार इसने क्या किया। यार ये देखे मैंने इन्हें पानी दिया था, जो फीमेल रैबिट है ना यार उसने पानी नीचे गिरा दिया, ये देखें पानी सारा ना यहाँ आ रहा है अब नीचे। तो ऐसा करते हैं अब इन्हें ना थोड़ा पानी और देते हैं, क्योंकि जो हमारे चिक्स हैं ना यार वो प्यासे हैं। ये वाली जो फीमेल रैबिट है इसके ना हम चेक करते हैं कि इसने अंदर बच्चे दिए हुए हैं कि नहीं दिए हुए, फीमेल ने कितने बच्चे दिए हुए। तो दोस्तों ये देखें माशाल्लाह ना अंदर बच्चे नज़र आ रहे हैं, ये देखें दोस्तों अंदर हरकत कर रहे हैं, एक दो तीन चार, चार बच्चे हैं। तो ऐसा करते हैं हम एक दो को ना बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल के चेक करते हैं। और दोस्तों ये देखिए माशाल्लाह ना ये हमारा रैबिट है, और अभी ना इसकी ना देखिए आप आंखें भी नहीं खुली, माशाल्लाह देखें ये कितना प्यारा, अभी इसके बाल भी नहीं आए और छोटा सा ये कितना क्यूट है यार। ऐसा करते हैं इसे फिर हम अंदर छोड़ देते हैं और दूसरे को निकालते हैं किसी को, ताकि यार इसे ना सर्दी ना लग जाए यार। तो ऐसा करते हैं हम ना ये कॉटन रख देते हैं अंदर ताकि उनकी माँ ना उन्हें कवर कर देगी इसे। तो दोस्तों मैंने कार्टन भी रख दिया अंदर, तो अब उनकी माँ ना वो अंदर ही है तो वो उन्हें सही तरह कवर कर देगी। तो दोस्तों हमें कंफर्म हुआ तो हमारी फीमेल ने ना बच्चे दे दिए हैं जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया। तो ऐसा करते हैं उन्हें बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल के ना आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये देखें माशाल्लाह इनके छोटे छोटे हैं और ये कितने प्यारे हैं यार,
और ये देखें इनके ना कान भी छोटे छोटे, आंखें अभी दोस्तों इनकी नहीं खुली, तो यानी कि ना 3-4 दिन तक इनकी आंखें भी खुल जाएंगी, और ये अंदर ही इनके मदर फीड पे हैं, तो बाइल भी नहीं निकल रहे, अभी बाल भी इनके कम ही है, स्किन है और ऊपर हल्के हल्के बाल हैं। ये वाला रैबिट देखें दोस्तों, ये ब्लैक है और वाइट है ज्यादा, तो ऐसा करते हैं इसे हम अंदर रख देते हैं ताकि ये अंदर रहे और इसे सर्दी भी ना लगे, क्योंकि बाहर हवा चल रही है, तो इसे अंदर रख देते हैं। और इनकी मदर है ना, इन्हें खुद ही कवर करके रखती है। और ये देखें दोस्तों, ये देखें ये बिल्कुल नीचे जाने लगा था यार, तो अभी ये छोटा बच्चा है, क्योंकि अभी ये नीचे गिरता ना तो यार कुछ हो सकता था, तो ऐसे करते हैं इसे अंदर रख देते हैं। तो दोस्तों मैंने अंदर रख दिया उसे, तो ये हमें इनके फीमेल ना हमारी, तो दोस्तों हमारी फीमेल ना तकरीबन कोई 4 बच्चे दिए हैं, तो अभी वो छोटे हैं, बाहर नहीं आते क्योंकि उनकी आंखें भी नहीं खुली। तो दोस्तों ये वाली फीमेल है ना यार, ये अपने घर नहीं जा रही, क्योंकि इसके बच्चे यहाँ पे हैं, तो यार इसने फीड वगैरह भी करवाना होगा, तो ऐसा करते हैं इसे हम किसी तरीके यहाँ से बाहर निकाल के ना इसके घर भेजते हैं, फिर हम वेट करते हैं, जो ही ये बाहर निकलेगी ना हम ये वाला डोर क्लोज कर देंगे ताकि ये वाले घर में चली जाए। तो दोस्तों ये देखें फीमेल है ना यहाँ से बाहर आ गई है, मैं डोर क्लोज कर दिया, अभी ये यहाँ पे हैं, तो ऐसा करते हैं इसे इसके घर भेजते हैं ताकि जाके ना ये अपने बच्चों को फीड करवाए। चलो भाई, तो दोस्तों ऐसा करते हैं हम अपने मुर्गे और मुर्गी को ना बाहर निकालते हैं ताकि ना वो फिर मिट्टी में जाएं और वहाँ पे ना जो मिट्टी के साथ ये खेलते हैं ना, तो ये खेलने। तो दोस्तों ये मैंने खोल दिया, अब ये वहाँ से ना खुद ही बाहर आ जाएंगे। और देखे मुर्गी ने ना यार अंडा नहीं दिया, ये 3-4 दिन हो गए अंडे नहीं दे रही, तो इसके लिए ना हमें कुछ करना पड़ेगा। दोस्तों ये देखें ये बाहर आ गए हैं यहाँ से ना, मुर्गी भी बाहर आ गई है, और अब आहिस्ता आहिस्ता ना मुर्गा भी बाहर आ जाएगा इसके पीछे पीछे। ये देखें अभी ये यानी कि आहिस्ता आहिस्ता ना ये जो मट्टी है ना वहाँ पे चले जाएंगे ये। तो दोस्तों ये देखें मुर्गी बाहर आके ना रैबिट्स के साथ छेड़खानी करी जा रही है, जो इनका ये इनके चारा मैंने डाला हुआ है ना, तो उसे खा रही है। तो ऐसा करते हैं इन्हें थोड़ा आगे करते हैं ताकि ये मट्टी वाली साइड पे चले जाएं। चलो भाई उधर, ये देखें दोस्तों मुर्गी तो चली गई है वहाँ पे ना, अब पीछे पीछे मुर्गा भी चला गया इसके। तो दोस्तों देखें हमारा मुर्गा और मुर्गी ना अब आ गए हैं मट्टी में, और ये आगे ना यहाँ पे पाँव मार रहे हैं, और पाँव मार के दोस्तों ये पता नहीं क्या खाते हैं यार यहाँ से, ना इसमें मैंने दाना डाला है, ना इसमें मैंने कोई और चीज़ डाली है जो इनके मट्टी से ये खाएं, तो पता नहीं यार ये क्या खाते रहते हैं। देखें वो मुर्गी भी खा रही है, तो मुझे नहीं समझ आ रही इन्हें यहाँ से क्या मिल रहा खाने के लिए। दोस्तों देखें मुर्गी और मुर्गा तो यहाँ पे है, लेकिन यार ये देखें डक्स आ गई हैं इनके घर में ना, और इधर आके ना इन्होंने काफी शोर मचाना शुरू कर दिया है, कि ये अंदर ही बैठी हुई है और ये बाहर नहीं आ रही। तो दोस्तों जो मैंने कॉटन रखी थी ना ये पड़ी हुई है, तो ऐसा करते हैं अंदर चेक करते हैं कि हमारी ये वाली फीमेल ने ना अपने बच्चों को कवर किया कि नहीं किया। ये देखें अंदर ये बैठा हुआ है मेल, देखें इसने माशाल्लाह ना अपने बच्चों को सही कवर कर लिया है, तो उन्हें सर्दी नहीं लगेगी, इसलिए ना मैंने कॉटन अंदर रखी थी, और बच्चे ना इसने सही तरह अंदर छुपा दिए हैं, यानी कि ये काम यार इसने अच्छा किया है। तो यार ये तो माशाल्लाह काफ़ी समझदार है, तो इसने अपने बच्चों को सही कवर कर लिया। मैंने पता क्यों रूम फेंकी मैं, क्योंकि ये ना यार बाहर घूमती थी, जिस तरह आप देखें ये पहले बाहर घूमती थी, फिर ये इधर चली जाती थी, यानी कि मैंने कहा यार ये तो अपने बच्चों पर तवज्जो ही नहीं दे रही, तो इसलिए मैंने कॉटन रखी थी, मैंने कहा बच्चों को ना सर्दी ना लगे, लेकिन ना इसने बड़े अच्छे से कवर कर दिया अपने बच्चों को, तो अब यानी कि मैं सेटिस्फाई हूँ। दोस्तों ये देखें डक्स ये बाहर आ गई हैं, और बाहर आके ना इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, और मुर्गा इनके पीछे घूम रहा है, तो मुर्गा यार इन्हें कुछ किए ना। ये देखें दोस्तों ये देखें, और दोस्तों ये देखें मेल के पीछे जा रहे हैं ये मुर्गा, ये पता नहीं क्या कर रहा है, हालांकि ये मुर्गी को तो कुछ कहता नहीं। तो अब ऐसा करते हैं यार हम ना मुर्गे और मुर्गी को अंदर बंद करते हैं ताकि ना यार ये बाहर ना कोई छलांग वगैरह लगा दें। चलो भाई अंदर चलो, अब ये देखें ये दोनों जा रहे हैं ना, तो ये बड़े आराम से मुझे लग रहा है अंदर चले जाएंगे, मुर्गी आगे आगे पीछे पीछे मुर्गा। चलो भाई अंदर दोस्तों, इन्हें अंदर कर देते हैं हम। वो देखें मुझे इसी चीज़ का डर था कि दोस्तों मुझे ना इसी चीज़ का डर था यार, ये देखें ऊपर बैठ गई हैं, तो अब ऐसा करते हैं इसे नीचे उतारते हैं, तो अंदर कर दिया है, अब इसे भी अंदर कर देते हैं। और ये देखें दोस्तों अब ये खुद ही अंदर चला गया, लेकिन ना हमारे छोटे चिक्स भी अंदर हैं, तो यार ये चिक्स को ना, और ये देखें इन्होंने ना छोटे चिक्स पे हमला कर दिया था यार, मैंने ये जाली हिलाई है तो वो बाहर आया, तो मुझे इसी चीज़ का यार खतरा था। दोस्तों यार मैं तो बहुत डर गया था यार, इसने ना हमारे इनके चिक्स पे हमला कर दिया, बड़ी मुश्किल से यार वो वैसे बाहर निकला। ये देखें बेचारा ये यहाँ पे घूम रहा है, अब वहाँ से भी ये बाहर आ गए, तो इन्होंने ना जो दाना दिया था ना वो खा लिया। ऐसा करते हैं इन्हें सब्जा देते हैं और पानी भी डाल देते हैं, क्योंकि ये वाला दाना इनके लिए काफ़ी है, ये इतना ही खाना चाहिए इन्हें, तो सब्जा दे देते हैं ताकि ये सब्जा खा लेंगे, और पानी देते हैं पानी भी पी लेंगे।
दोस्तों मैंने ना इन्हें सब्जा दे दिया, अब ये यहाँ से खा लेंगे। वाले बर्तन में ना इनका पानी डाल देते हैं ताकि ये पानी भी पी लेंगे। तो दोस्तों शाम हो गई है, अब ऐसा करते हैं हम ना अपने सारे पेट्स को अंदर बंद कर देते हैं। दोस्तों मैंने एक चीज देखी, मैंने कहा आपको दिखा दूं यार, ये जो हमारी फीमेल है ना ये अंडे से उठी है यार, यानी कि अंदर बैठी हुई है। काफी देर से मैं देख रहा था तो ना ये अंडे के ऊपर नहीं बैठ रही, पता नहीं हमारा मेल यानी कि चला गया शायद इसलिए नहीं बैठ रही। कर देते हैं सारी रात इसने जो करना है वो करती रही, क्योंकि दाना पानी तो इसने अपना खा लिया इसलिए ये अंदर चली गई है। तो यानी कि इनका डोर लगा दिया, अब उसके बाद हमारी बारी है। ऐसा करते हैं हम अपने रैबिट्स को बंद करते हैं, ये देखें ये बाहर निकले हैं और ये खाई पी जा रहे हैं। करते हैं यार ये अंदर नहीं जाते यार, पता नहीं क्यों नहीं। चलो भाई वाला जो मेल है ना यार ये भी बड़ा तंग करता है, ये देखें अब ये देखें दोस्तों ये मेल यहाँ पे आ गया है, देख इसके साथ मेल है लेकिन इधर कोई नहीं जा रहा। और दोस्तों अंदर देखें यार, अंदर भी ना इन्होंने काफी गंद डाला हुआ है। तो ऐसा करते हैं हम ना सुबह इंशाल्लाह इनकी सफाई करेंगे अंदर से ना सारी। तो दोस्तों ये जो हमारे रैबिट्स है ना यार, इन्हें बड़ी मुश्किल से अंदर बंद किया है। तो ऐसा करते हैं क्योंकि मैं ये ऊपर नहीं उठा रहा, इन्होंने ना बाहर आ जाना है, तो ऐसा करते हैं ये बंद कर देते हैं हम। तो यार ये वाला चिक्स है ना यार ये काफी बीमार है और साइड पे बैठा हुआ है। ऐसा करते हैं हम इन्हें इधर ही बंद करते हैं, इनका ना नया बल्ब लेके आते हैं यहाँ पे, बल्ब लगा देते हैं जो इन्हें हीट देते। देखे ये नीचे नीचे छुप रहा है यार, के ना इसे सर्दी लग रही है। ऐसा करते हैं इसे हम बंद करके ना बल्ब लेके आते हैं और यहाँ पे ना हम बल्ब लगा देते हैं। तो दोस्तों बड़ी मुश्किल से यार मैंने चूजों को पकड़ पकड़ के अंदर डाला, इन्हें अभी तक घर का पता नहीं चला। तो मैंने आगे इंट भी लगा दी, मैंने कहा बाहर ना निकले, तो डक्स तो हमारी ना खुद ब खुद ही डर के अंदर चली गई है। ऐसा करते हैं इनका डोर लगाते हैं और हम नया बल्ब लेके आते हैं जो इनके घर लगाना है। तो दोस्तों मैं ना बल्ब ले आया हूँ, ऐसा करते हैं बल्ब लगाते हैं क्योंकि शाम भी काफी हो गई है। और जो हमारे चिक्स है ना देखें अंदर है लेकिन यार इनकी आवाज नहीं आ रही। तो ऐसा करते हैं पहले हम बल्ब लगाते हैं। दोस्तों ये देखिए मैं बल्ब ले आया हूँ, अब ऐसा करते हैं इसे निकाल के ना हम अपने ना ये इनके होल्डर में लगाते हैं, ये इधर हम इसे फिक्स कर देते हैं। अब ये वाले बल्ब को ना इनके अंदर रख देते हैं ताकि अंदर हीट हो। और ये हमारे ना मुर्गी और मुर्गे की इन्हें भी हम कवर कर देते हैं ताकि यार इन्हें हवा ना लगे रात को। तो दोस्तों मैंने ना इन्हें भी कवर कर दिया है। तो दोस्तों आज यार बड़ी खुशी का दिन था यार, हमारी ना फीमेल ने ना बच्चे दिए हैं यार, वो मैंने देखे हैं तो माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं यार, छोटे छोटे क्यूट हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि यानी कि ऐसे तंदुरुस्त रहेंगे और बड़े होंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें। तो यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, वीडियो देखी जा रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, ये अच्छी बात नहीं। अगर एक बंदा इतनी मेहनत करता है यार उसके चैनल को सब्सक्राइब तो करना चाहिए ना यार। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।